Morning students, now today we are going to start with a new chapter in English, that is the enemy. The chapter name is the enemy, it's written by Pearls as well. This story is based on two countries, America and Japan, during the Second World War, right? This story is about the two countries, America and Japan, during the Second World War. Now, we'll discuss about the characters played in this story. What are the characters played? That is Dr. Sadao Hawking, is the main character, is patriotic, family man and surgeon. Teen role hai inke. Then inke father was there, Dr. Sadao's father, jo very serious man, is believing in Pakistan and conventions. He's very strong in his beliefs in the Japanese ke hote hai, inke jo culture hota hai, and futuristic. And the other character is General Takima. He is working in the army in the Japan countries, right? The head of the general in the army department. Self is very selfish, self-centered, not faithful toward his duties and not promising, right? Now story is there as the start of the year. Ki jab Dr. Sadao Hawking, ek bahut hi bade scientist hote hain, he is a big doctor, right? And is very famous in Japan. अब स्टार्टिंग में ऐसा है कि डॉक्टर सदाओ होके के जो फादर होते हैं, ही इज वेरी मच बिलीव इन द ट्रेडिशन एंड उनके बिलीव बहुत होते हैं. जब वो और उनके लड़के एक बार जब बैठते हैं, उनके लड़कों को जब समझाते हैं कि आपको यहाँ का कल्चर पढ़ना है, जापानीज की जो भी कल्चर स्टडीज उसको फॉलो करना है, तो उनके बाहर एक क्वेश्चन होता है, वहाँ पे एक बड़ा पिलर टाइप एक पत्थर होता है, उसको देख के बताते हैं कि जापानीज का एक पत्थर का एक स्टोन है, जिस हिसाब से आपको देखे अपने जापानीज कंट्री को सपोर्ट करना है, यू शुड बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ जापान. तो उनको मिलते हैं कि वो सीरियस होते, वो कभी उनके साथ मजाक मस्ती नहीं करते. इज अ वेरी सीरियस मैन एंड ही जस्ट बिलीव इन द कल्चर्स ऑफ जापान एंड इज वेरी स्ट्रेंड एंड इज वेरी फ्यूचरिस्टिक. उनके बच्चे के बारे में ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को टू मेक अ गुड लाइफ, टू बिकम अ फेमस पर्सन फॉर हिज कंट्री. एंड ही सेंड This child to America. America में उसको study करने भेजते हैं, वहाँ पे उनकी doctor की study कराते हैं, और उस time पे Second World War होता है, right? लेकिन उनकी study करके वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे पूरा study होता है, और वहाँ पे सबसे मिलते हैं, Japan में भी वो बहुत famous होते हैं, and America also become very famous person, right? And personality in the study wise and his profile wise. वहाँ पे उनको एक लेडी से मुलाकात होती है, हाना से उनकी मुलाकात होती है, अच्छे फ्रेंड होते हैं, राइट? और दोनों को अच्छी फ्रेंडशिप होती है, दे वांट टू मैरी विद द हाना, बट वो डॉक्टर सदाओ को ये यकीन नहीं होता फाइनल है कि इज अमेरिकन, सी इज एन अमेरिकन और सी इज अ जापानीज. जब उनको मालूम पड़ती है कि कौन सी जापानीज है कि कौन सा, फिर उनके साथ शादी डिसाइड करते हैं, फिर शादी करते हैं, एंड दे बिकम अ हैप्पी कपल. देन दे केम टू द जापान. जब वो जापान में आते हैं तो वन डे ही हैड His wife was standing on the balcony. वहाँ पे बालकनी में वरांडा में खड़े होते हैं, तो उनके घर के सामने एक सी सोर्स होता है, ओशन होता है बड़ा. तो उनकी नजर पड़ती है कि एक आदमी कोई है, वो वहाँ पे क्रॉल करते हुए बाहर गिरा हुआ है वहाँ पे इन द ओशन साइड, राइट? तो वहाँ पे किनारे पे क्या होता है, तो उनकी नजर गिरती है दोनों की, तो देखते हैं कि वहाँ पे कौन है, बोटमैन है कौन है, फिशरीज का कोई आदमी है कौन है, वेरी सीरियस होता है. वो लोग जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे, देखते हैं तो वहाँ पे जो आदमी होता है वो वाइट, इज द वाइट कलर स्किन. तो उनको मालूम पड़ते हैं कि जापान का नहीं है, ही बिलोंग्स टू, वो बहुत सीरियस होता है, वुंडेड होता है, उसके अंदर बुलेट लगी हुई होती है. तो बोथ ऑफ देम जस्ट डिस्कसिंग इट, दिस उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर चलता होता है, तो उनको मालूम पड़ता है कि दिस पर्सन बिलोंगिंग टू द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, राइट? फिर उन लोग सोच में पड़ते हैं, दे बिकम द टू डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके थे, कि नाउ दे हैव टू सपोर्ट देम और उनका ट्रीट करना है, क्या करना है. दे बिकम अ पैट्रियोटिक सपोर्ट देम, इसको पकड़ के अपने आर्मी को दे दे, वहाँ की जो सोल्जर्स हैं उनको दे दे जापान को, या अपने इसको मदद करके इसको क्योर करना है. नाउ दे बिकम द टू कैरेक्टर इन द स्टोरी. तो दे डिस्कस बोथ ऑफ देम, उनकी वाइफ के साथ डॉक्टर सदाओ डिस्कस करते थे, मेरा पहला ड्यूटी क्या है. तो उनकी वाइफ उनको हना ये बोलती है, उसको पकड़ के घर पे ले जाते हैं, उनको उठा के घर पे ले जाते हैं. घर पे उनकी आना, उनकी वाइफ ऐसा बोलती है कि डोंट डू एनीथिंग. वो पानी लाने के लिए बोलते हैं उनके वाइफ को, जस्ट क्लीन द वुंड एंड ही कैन मेक द ट्रीटमेंट टू क्योर दिस पर्सन, राइट? बट आना उनको बोलती है, आप कुछ मत करिए, मैं अपने सर्वेंट को बुलाती हूँ, अपने सर्वेंट इनको मदद करेंगे. बट सर्वेंट आल्सो रिफ्यूजेस कि नहीं, ये अपने कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, तो हमें इसको सौंप देना चाहिए अपने जापानीज आर्मी को. They can treat whatever they want.
दूसरे काफी ऐसे सर्वेंट होते उनको बुलाते थे ऑल रेफ्यूजर्स, दिस इज अवर पैटर्न, हमने अपना देश के साथ वी हैव दिस शुड बी लॉयल टुवर्ड्स अवर कंट्री, हमको इसको मदद करने में अपने ऐसा लगेंगे कि अपने अपने कंट्री के खिलाफ जा रहे, अपने के इसको जाके इसको जनरल जो टाटी में है उसको जाके बात करके इसको वहां पे सौंप देना चाहिए. बट दिस थिंग इज समथिंग डिफरेंट इन डॉक्टर सदाओगी. सदाओगी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो खुद उसकी वाइफ को बोलता है एज ए ह्यूमैनिटी, उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी आ जाती है, एक अच्छा मतलब कहते हैं एज ए ट्रीट एज ए डॉक्टर नॉट एज ए पैटर्न. से मेरा सेकेंड आता है, पहले मेरा ह्यूमैनिटी आता है, तो उसकी डॉक्टर पानी मंगा के जो ट्रीटमेंट करता होगा तो उसको खून क्लीन करता है, उसकी बुलेट जो होती है वो निकालता है, उसे घर पे रखता है एंड उसको थोड़ा ठीक कर देता है, तो बिकम समथिंग क्योर, थोड़ा ठीक हो जाता है, थोड़ा चलने वलने लग जाता है. फिर डॉक्टर सदाओ ओके के दिन में पैट्रोइज आता है कि नहीं अभी मेरा ड्यूटी बनता है एज ए कंट्री लॉयल टू माई कंट्री, आई विल टॉक टू डॉक्टर सॉरी टू जनरल टकेमा जो वहाँ के हेड होते हैं, तो वो जाके उनको बात करता है कि मेरे पास ऐसा दिस प्रोसेस हैपेंड, दिस पर्सन कम टू मी एंड मैंने उसको ऐसा केयर किया, मेरे घर पे रखा है और उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया होगा. तो डॉक्टर अकीमा सोच के उनको बात करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने रखा तो उसको लेके आओ अपने यहाँ पे, जो अपना प्रिजनर है अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर का जो वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे जेल है प्रिजनर में उसको रखते हैं और आई विल डू व्हाट एवर आई वांट, उसको लेके आते हैं तो वहाँ पे वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ मैन को रखते हैं. फिर वो ऐसा बोलते हैं डॉक्टर सदाओ को जनरल अकीमा कि अपने इसका एक दरवाजा खुला रखना जो गार्डन की साइड खुलता है जहाँ पे ये अमेरिकन प्रिजनर ऑफ मैन को रखा जाता है, उनके जो एसेसेंस है, एसेसेंस मीन्स जो साफ शूटर होते हैं जो दूर से शूट करते हैं, बोले मेरे जो आदमी है वो उसको वहाँ से शूट करेंगे और मेरा जो करना है वो मेरे हिसाब से जापानीज जो भी आर्मीज के जूर से वो हिसाब से मैं फॉलो करूँगा, तो उनको उसी जगह पर वो आदमी को रखता है और जो गार्डन साइड का जो दरवाजा होता है उसको खुला रखता है तो एसेसेंस कैन शूट दिस पर्सन राइट. तो फिर वो रख के डॉक्टर सदा वहाँ पे उसको रख के घर पर चले जाते हैं. फिर एक दिन होता है, दो दिन होते हैं, तीन दिन होते हैं, डॉक्टर सदाओ को कोई न्यूज मिलता नहीं है कि क्या हुआ होगा कि अमेरिकन प्रिजनर इन्होंने क्या ट्रीट किया होगा जनरल टकीमा ने उनके साथ. तो तीन दिन के बाद जब वो जाता है तो उनको मालूम पड़ती है कि वो आदमी वही का वही होता है और डॉक्टर जनरल टकीमा को जब बात करता है कि आपने इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो डॉक्टर टकीमा बोलता है कि आई एम नॉट वेल, मेरे को ठीक नहीं था और मैं भूल चुका था कि इसको यहाँ पे रखा हुआ है, सो आई नॉट डन अ प्रॉपर वॉट आई हैव टू ट्रीट एज ए जापानीज सोल्जर्स, मेरी ड्यूटी मैं नहीं कर सकता, तो भूल जाते ऐसे एक्सक्यूज दिखाते हैं राइट. देन डॉक्टर सजीमा सदाओ का भी ये होता है कि नाउ ही जस्ट टेक दैट मैन, वो आदमी के अपने पास ले लेता है और जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को बोलता है कि मैं आपको एक क्लोथ देता हूँ राइट, थोड़े फूड्स देता हूँ खाने के लिए राइट एंड बोट, एक बोट जो स्विम कर सके वो जा सके ये ओशन से दूसरे पैसिफिक आइलैंड पे, कोई भी उनका जो सपोर्टिंग आइलैंड होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक उसको टॉर्च देता है, इट गिव्स अ टॉर्च टू दैट अमेरिकन प्रिजनर, वो ठीक हो जाता है पूरी तरह, बोले वहाँ पे चले जाओ, आप चले जाओ और ये एस्केप मैम उसको मदद करता है डॉक्टर सदाओ हॉकी और वहाँ से निकल, बोले जब आप सेफ जगह पे पहुँच जाओ आपने वहाँ पे वो आइलैंड पे, को दूर से मुझे टॉर्च का फ्लैश लाइट दिखाना तो मैं समझूंगा योर लाइफ इज सेफ और देयर ठीक है. तो इस तरह से स्टोरी में सपोर्ट करता है, तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी हाउ द डॉक्टर सदाओ हॉकी जस्ट प्लेड अ ह्यूमैनिटी एंड अ रियलिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन हु इज वन इन डिफिकल्टी. तो इसमें तीन कैरेक्टर्स थे, डॉक्टर सदाओ हॉकी हु इज पैट्रियोटिक, पहला तो ये थे बहुत पैट्रियोटिक थे, अपने देश को बहुत मानते थे. सेकेंड में इज अ बिग सर्जन, सर्जन के हिसाब से बोलते हैं कि वो दूसरे कंट्रीज को होते हुए भी उसने अपना ड्यूटी निभाया, उसको सिर्फ प्रेयर किया, उसको जो भी वुंड्स है उनकी बुलेट जो निकाली, तो उसने पैट्रियोटिज भी किया, सर्जन एज ए डॉक्टर का रोल भी किया एंड ही वाज अ फैमिली मैन इसीलिए हुआ कि उसको एक दिल में एक जस्ट था, उसको एक सोच आती है, ही जस्ट रियलाइजेस कि मैं ये चीज जाके डॉक्टर जनरल नकेमा को दिखाऊं कि अगर उनको मालूम पड़ेगी कि मैंने पहले जो दुश्मन है द एनिमी इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज दैट्स व्हाई द बुक द एनिमी राइट बाय द ऑथर, क्योंकि मेरे एनिमी को मैंने रखा, उसको मैंने प्यार किया, उसको मेरे घर पे रखा, उसको जगह दी, तो मैं मेरे फैमिलीज को कुछ नुकसान होगा, मेरे जापानीज जो रूल्स रेगुलेशन तो मेरे फैमिली को कुछ नुकसान करेगा, उसके पहले मैं जाके मैं जो रूल्स है उस हिसाब से जापानीज कंट्रीज के मैं जाके डॉक्टर जनरल टकीमा को मैं इसको सौंप दूँ राइट. तो बोथ द ट्रीटमेंट इज देयर, इट इज आल्सो थिंकिंग अबाउट अ फैमिली मेंबर.
नाउ डॉक्टर सदाव फैदर, ये क्या होते हैं, इज वेरी सीरियस मैन, उसके बच्चे की लाइफ बनाने के लिए उसको अमेरिका भेजते हैं, वेरी सीरियस अमाउंट, इज ट्रेडिशनल कस्टम जो जापानीज का होता है, बहुत मानते हैं वो, राइट, एंड हिज सन इज बिलीव, बहुत बिलीव करते हैं अपने सन, बहुत फिक्स होते हैं, राइट, एंड इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक में उसको बच्चे की कैसी लाइफ बनानी है, उसको अपने देश के लिए करना है क्या करना है, उसको अपने खुद के लाइफ के लिए क्या करना है, जस्ट फोकस टू हिज सन, इज गिवन द लाइफ way of life, how to make and how to live as a good citizen for his country, right? And इसके बाद दूसरा character है जनरल टकीमा, जनरल टकीमा is selfish, पहले तो वो selfish इसीलिए कि वो जो डॉक्टर सदाव उसको जानता है, he's a very intelligent doctor, he's a very big doctor, right? तो इसको डॉक्टर टकीमा को जरूरत पड़ेगी कभी भी डॉक्टर सदाव को, तो उसको वो ट्रूफ में भेजता नहीं, जब उसके आर्मी जाती लड़ाई करने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वहाँ पे भेजता नहीं है, क्यों नहीं भेजता है, वो सोचता है कि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी कभी भी इमरजेंसी, इफ आई एम नॉट वेल दिस डॉक्टर, डॉक्टर सदाव इज गोइंग टू सपोर्ट, राइट, एंड सेल्फ सेंटर्ड इसीलिए है कि जब डॉक्टर सदाव ने उसको घर पे रखा, उसको दुश्मन को, एनिमी को, जो अमेरिकन जो प्रिजनर था उसको, तभी उसने कुछ बोला नहीं, कुछ स्टेप नहीं लिया, उसने बोला ठीक है आपने रखा कोई बात नहीं, अभी हमको सौंप दो, वी विल डू व्हाट एवर यू वांट, इज नॉट टेकिंग एनीथिंग अगेंस्ट डॉक्टर सदाव के ऊपर, कोई भी एक्शन नहीं लेता, तो इज सेल्फ सेंटर्ड, उसको मालूम है कि ये आदमी मुझे कभी भी मदद करेगा, आई नीड दिस पर्सन डॉक्टर सदाव के, तो इज ऑल्सो सेल्फ सेंटर्ड, थर्ड थिंग नॉट पेटफुल टू वॉट इज ड्यूटी, इज नॉट अबाउट पेटफुल टू वॉट इज ड्यूटी, क्यों, कि जब डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि इसको यहाँ पे गार्डन में फिजिकल से रखा है, उसको साफ सुथरा करेंगे, भूल जाता है कि इस टैलेंट को डॉक्टर सदाव मैं भूल गया हूँ, मेरी आई एम नॉट वेल, जस्ट इज टेकन आउट द एक्सक्यूजेस, इज नॉट सीरियस अबाउट हिज ड्यूटीज, राइट, तो इस चीज से उसे मालूम पड़ता है कि इज नॉट फेटफुल अबाउट हिज ड्यूटीज, इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज व्हाट इज गिवन बाय द कंट्री, एंड नॉट प्रॉमिसिंग, इज नॉट एट ऑल अ प्रॉमिसिंग, जो उसने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल करता नहीं, इज नॉट फुलफिलिंग व्हाट ही डिस्कस विद द डॉक्टर सदाव, डॉक्टर होता है, डॉक्टर की सर्जरी करता है, उसको ठीक करता है एज ए ह्यूमैनिटी, एंड ही प्लेज अ रोल ऑफ द पैट्रियोटिक फॉर हिज कंट्री, दोनों जगह वो सेम अपना बैलेंस करके जो As a humanity, he saved a person who is the enemy of his country during the Second World War. So the title is good, appropriate title, the enemy for self-help. Right? Abhi is cheez mein two important questions in this chapter. The characters of Dr. Sadao Bhuti. Wo apne reality life as a doctor, as a patriotic, kis tarah se role karta hai, is a very important question. Aur second cheez hai, General Takima. General Takima अपने ड्यूटीज में फुलफिल नहीं है, he forgotten, he feels that he is ill, he is very unlighted towards his duty, he is not faithful, right, he is one of the, ये भी एक character sketch General Takima का बहुत ही important है इस topic, इस lessons में, right, and this is the story base that tells the message of humanity by the way of two countries during the Second World War, America and Japan, humanity सबसे पहले आती है. We end the chapter over here. Your homework for this lesson is question answers you have to write in your classwork notebook. If you have any difficulties, contact me. Thank you. Be safe at home.